अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। तो फ्री से इस भरपूर वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं हड़प्पा म्यूज़ियम में। चूंकि ये बड़ा वसी फैला हुआ है हड़प्पा म्यूज़ियम, तो पहले हमने आपको एक वीडियो अपलोड की थी पार्ट वन में, तो अब हम आपको पार्ट टू में दिखाते हैं कि इसके बाकी खंडरात जो दरियाफ्त हुए हैं यहाँ पर, वो भी हम आपको उसकी भी हम आपको सैर करवाते हैं। तो वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल IRF टैग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएँ ताकि तफरी से भरपूर आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। दोस्तों ये सारे खंडरात हैं, पहले हमने आपको कुछ दिखाए थे जिनकी खुदाई करके कुछ चीज़ें भी दरियाफ्त की गई थी, वो भी हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। तो इस वीडियो में हम आपको और भी खंडरात दिखाते हैं जो यहाँ से दरियाफ्त हुए हैं। ये अभी टीले काफ़ी इधर हैं जिनकी अभी खुदाई करना बाकी है और वक्त के साथ साथ ये खुदाई यहाँ पर होती रहती है। ये सारे ऐसे ही टीले बने हुए हैं। ये 5000 साल पुराना शहर था हड़प्पा, जिसकी तहजीब सिंध के शहर मोहनजोदड़ो से मिलती थी और कहा जाता है कि ये एक वक्त में ही आबाद थे और बड़ी अपने वक्त की तरक्की याफ्ता तहजीब थी। बाकायदा इन्होंने शहरी निज़ाम बनाया हुआ था। ये इधर और भी खुदाई शुदा आसार हैं। घूमते वक्त पाकिस्तान ने यहाँ पर एक बेहतरीन ट्रैक बनाया हुआ है पैदल चलने वालों के लिए। और ये देखें खंडरात, इनमें पुराने ईंटें अभी भी दबी हुई हैं और ये सारे रहायशी इलाके थे। जो कुछ खंडरात की खुदाई करके घूमते वक्त ने ये और पुराने बर्तन निकाले हैं। तो यहाँ पर एक पुरानी मस्जिद भी है, ये उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है पुरानी मस्जिद की, जो कि मस्मार हो चुकी है, जो यहाँ पर मुगलिया दौर में तामीर की गई थी। और कुछ लोग कहते हैं कि यह ईदगाह थी। और यहाँ पर एक बुज़ुर्ग का मज़ार भी है, ये हम उस मस्जिद की भी दिखाते हैं जो कि अब मस्मार हो चुकी है। ये मुगलिया दौर की मस्जिद कहते हैं जो इधर खंडरात के पास तामीर की गई थी। इसी मस्जिद के साथ ही एक बुज़ुर्ग हस्ती का मज़ार भी है, ये भी यहाँ से दरियाफ्त की गई है। और ये इसकी हिस्ट्री भी यहाँ पर लिखी हुई है, कच्ची पक्की ईंटों से यह तामीर की गई थी। यहाँ पर एक मकबरा भी है बाबा नूर शाह वली का। ये आगे सारे खंडरात हैं। ये बसी और ईद रकबे पर फैला हुआ एक शहर था जो कि खुदाई करके अब यहाँ से निकाले गए हैं। खंडरात, बर्तन, मोहरें, कब्रिस्तान भी यहाँ से एक पुराना दरियाफ्त हुआ था। ये इसके इधर और भी खंडरात दरियाफ्त किए गए हैं, खुदाई की गई है। और ये उसकी हिस्ट्री लिखी हुई है। अगर ये गली कश्मीर में अंदर गंदम के स्टोर नहाने के बड़े चबूतरे बने हुए होते हैं, बड़े हुए थे। ये सारी इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है इस जगह की। इस इलाके में सबसे पहले 1922 तक माधो वाट्स ने खुदाई की, जब 1994 में महकमा सड़क में पाकिस्तान टाउन से हड़प्पा आर्कियोलॉजी रिसर्च प्रोजेक्ट ने खुदाई की। ये इसकी तस्वीर और हम आपको इसको दिखाते हैं। दोस्तों ये भी खुदाई करके निकाला गया है पुराना इलाका यहाँ पर। कहा जाता है ये गंदम को स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करते थे। मुकम्मल पुराने खंडरात हैं ये और काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये यहाँ से दरियाफ्त किए गए थे। ये सारे खंडरात की हम आपको सैर करवा रहे हैं। 5000 साल पुराना ये शहर है और अपने वक्त का जदीद तरीन शहर था। कैसे देखो दोस्तों, आज से 5000 साल पहले भी एक तरतीब से शहर आबाद किया हुआ था। इंसानी अकल दंग रह जाती है। ये सारे आसार यहाँ से दरियाफ्त हुए हैं और इनको निशानदेही करके इनको आने वाली नस्लों के लिए महफूज करने के लिए इसको तरतीब दिया गया है।
यहाँ पर और भी बहुत ज़्यादा आसार हैं इस तरह के, और यहाँ से पुराना सामान भी बहुत दरियाफ्त हुआ है जो ये लोग इस्तेमाल करते थे, बर्तन हो गए, इस तरह की चीज़ें। ये नक्काशी के लिए बेहतरीन निज़ाम बना हुआ था यहाँ पर। ये पुराना सारे खंडरात हैं। यहाँ पर कल लिखा हुआ है कि गंदम स्टोर करते थे, और नहाने के लिए अलहदा ये उन्होंने जगह बनाई हुई थी एक साइड पर। ये सारे आसार हैं इस जगह के। इधर और भी टीले हैं काफ़ी पुराने, ये ट्रैक बने हुए हैं, उनकी भी हम आपको सैर करवाते हैं। चूँकि ये ऊंचाई में कुछ नीचे, जैसे जैसे ये टीले हैं उसी तरह ये ट्रैक बनाया गया है, कभी ऊपर तो कभी नीचे। इधर और भी आसार इन्होंने दरियाफ्त किए हुए हैं, हम को वो भी दिखाते हैं। यहाँ पर और भी आसार के, ये उनकी हिस्ट्री लिखी हुई है। ये सारी इनकी हिस्ट्री लिखी हुई है यहाँ पर, और ये गोदाम बने हुए थे इनके उस वक्त के। ये भी 1921 से 34 के दरमियान यहाँ पर खुदाई की गई थी और ये दरियाफ्त किए गए थे। ये किस तरह अपना अनाज यहाँ पर स्टोर करते थे वो भी हम आपको दिखाते हैं। ये सारा ये इनके यहाँ पर गोदाम बड़े हुए थे, इनके आसार अभी भी बाकी हैं जो कि हुकूमत वक्त ने निशानदेही की है, इनकी ईंटें लगाकर इनकी निशानदेही की है। यहाँ से 5000 साल पहले अपना गल्ला वगैरह यहाँ पर स्टोर किया करते थे। पुराने आसार हैं ये भी 5000 साल पहले के। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं तफरी से भरपूर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और इसी तरह की और भी तारीखी ही जगहों की तारीख और सैर करने के लिए हमारे साथ रहें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। शुक्रिया।